फ्रेंड्स, आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाबा रामदेव और आईएमए के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच एक मामला सामने आया आमिर खान के एक प्रोग्राम का। ये ट्वीट किया गया है बाबा रामदेव द्वारा, क्या है पूरी खबर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आईएमए ने शिकायत दर्ज कराई बाबा रामदेव पर आईपी स्टेट में। हालांकि रामदेव अपनी बात पर अड़े हुए हैं और लगातार एलोपैथी से इलाज पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। रामदेव ने ट्विटर पर अब एक नया वीडियो शेयर कर दिया और ये वीडियो अब वायरल हो गया है। इस वीडियो क्लिप में आमिर खान के टीवी शो को दिखाया गया है सत्यमेव जयते। इस एपिसोड में चित्तौड़ के पूर्व कलेक्टर समित शर्मा शामिल हुए थे। उन्होंने दवाइयों के अलग अलग दामों के बारे में बताया था कि आखिर कैसे एक ही तरीके से बनने वाली दवाइयों के दाम अलग अलग होते हैं। बता दें कि समित शर्मा MBBS हैं और उन्होंने IAS बनने से पहले कई अस्पतालों में बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस भी की थी। ऐसे में रामदेव ने इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, इन मेडिकल माफियाओं में हिम्मत है तो आमिर खान के खिलाफ मोर्चा खोलें। तो ये एक ट्वीट है, वो ट्वीट को मैं थंबनेल पर लगा चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक सवाल या निशान खड़ा कर दिया है बाबा रामदेव ने और बीच में आ गया है आमिर खान का एक वीडियो क्लिप। तो अब देखना होगा इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्या रिएक्शंस आते हैं। जो भी आएंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन बाबा रामदेव ने इस बीच एक पेच डाल दिया है IMA और अपने बीच के आरोप प्रत्यारोप के दौर पर। तो फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।